भारतीय समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड जीरो में फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े 43 वर्षीय युवक को आपसी रंजिश के चलते गोली मार दी गई। वहीं घायल हुए व्यक्ति को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए ट्रामा सेंटर से आगरा के लिए रेफर कर दिया है। दरअसल पूरी घटना के पीछे दो पक्षों में आपसी विवाद बताया जा रहा है। वहीं घायल ने बताया 24 अगस्त को गांव के ही लोगों से विवाद हुआ था। तारीख को सुबह 7-8 बजे मुझसे इन लोगों ने झगड़ा किया था, जिसे मेरी चैन इन लोगों ने 20 ग्राम की ले ली थी। पहले देख लिया तो उतर गए, सीधी गोली दी। तो इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता पिंकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिंकेश, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जी मैं आपको बताते चलूं, ये थाना मकवर क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे पुल के पास तीन बाइक सवार लोगों ने एक 43 वर्षीय युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। पूरी घटना में बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था जो इनके पीछे पहले से चला आ रहा था। जी, पुलिस ने मामला पंजीकृत कर घायल को ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। जी पिंकेश, जो हमलावर थे क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, मगर अभी तक जो आरोपी हैं पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। प्रभारी जो ऐसो है उनसे मेरी अभी बात हुई थी जी। वो कह रहे हैं कि आप थाने पे आके पता कीजिए केस में क्या अपडेट है। जी पिंकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि फिरोजाबाद का ये मामला है जहां पर दिन दहाड़े आपसी रंजिश के चलते 43 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।